बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे ने मिंटो हॉल का नाम बदले जाने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा का स्वागत किया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने भोपाल आए पंकजा मुंडे ने कहा, इस तरह की बैठक होते रहना चाहिए जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में मनोबल बनता है और वह अपनी बात पार्टी संगठन के नेताओं के सामने रख पाते हैं। बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे से खास बातचीत की एशियन भारत की पॉलिटिकल एडिटर मुक्ता पाठक ने। भारत में इस वक्त मेरे साथ पंकजा मुंडे जी हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पे आई हैं, आज आपने कार्य समिति अटेंड किया, इससे पहले आप बाकी भी बैठकों में रही हैं, क्या कहेंगी, किस तरह का माहौल रहा, क्या निकल के आया है? सबसे पहले जहाँ हमने ये बैठक की, यहाँ इस वास्तु को कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम दे दिया गया है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत अभिनंदन करती हूँ पूरी टीम का। और बहुत अच्छी बैठक हुई, हर विधायक से, हर मंडल के व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई है और सब पूरी टीम की बातचीत हुई है। और हम लोग बहुत आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में संगठन और प्रभावी हो जाएगा। और अभी जिस तरह का माहौल यहाँ पे रहा आज कार्य समिति में, क्या कहेंगी? मैं आ रही हूँ, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सकारात्मक और बहुत उत्साहवर्धक माहौल था। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मध्य प्रदेश की प्रभारी पंकजा मुंडे, जो यहाँ पे उन्होंने कई सारी बैठकें भी अटेंड की और आज कार्य समिति में भी उपस्थित रही। उनका ये कहना है कि जिस तरह से पूरी जो बैठकें हुई और जिस तरह से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो बीजेपी को आगे आने वाले समय में और भी जो है वो उत्साह वर्धन करेगा। एशियन भारत के लिए भोपाल से कैमरामैन उबेस के साथ मुक्ता पाठक।